प्रोडक्ट के पास बस जाके मेरे को एक बार स्कैन कर देना है, बस स्कैन हो गया, देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं सेव करूंगा, ये देखो इसका भी बिल बन गया। बिल, ओके, मतलब डायरेक्ट बिल भी आता है। डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम बिल फाड़ो, कस्टमर को दो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और आज मैं इज़ो कंपनी जो कि लास्ट टाइम बिलिंग मशीन देखे थे, तो इस टाइम भी वही देखने वाले कि उसके साथ कुछ एडिशनल देखने वाले। तो चलो सर के साथ पहले बात कर लेते हैं। हेलो सर, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम महबूब शेख है। आकाश सर का फिर से स्वागत है हमारी ऑफिस में। पिछली बार की वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए हमने फिर से बोला आकाश भाई को, ताकि आपको दिखाएंगे कि हमारे ऑफिस में कुछ नया फीचर आया है, कुछ नया मशीन आया है। ओके, हम आपको दिखाएंगे, तो चलो हम आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाते हैं। ओके गाइज, तो चलो डेमो देखने चलते हैं। सो गाइस, चलो डेमो देख लेते हैं। सर दिखाते हैं डेमो अपने को। अभी बिलिंग मशीन का मैं बात करूं तो मार्केट में लोगों को पता ही नहीं है, जो दुकानदार भाई है, कि बिलिंग मशीन क्या होता है। उनको लगता है कि बिलिंग सेटअप अगर मैं लेने जाऊं 70,000-80,000 का रहेगा, बड़ा रहेगा, कंप्यूटर लगेगा, बड़ा प्रिंटर लगेगा। पर हम लोग ने इस बड़ी प्रॉब्लम को कर दिया एकदम आसान। देखो अभी देखो, ये डिस्प्ले है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने लिया इडली, इडली पे क्लिक किया, मैंने सेव किया, देखो जादू, दो मिनट में एकदम जादू के जैसा बिल एकदम रेडी। अब बिल का भी बात करूँ तो मतलब ऐसा सारा सिंपल बिल नहीं है, उसमें आपका लोगो आएगा, आपने कभी बेचा, डेट टाइम कितने पे बेचा। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट पर आप मेंशन कर सकते हो। okay. और एक छोटा सा मैसेज आता है, थैंक यू विजिट अगेन। इससे क्या है ना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अभी डीमार्ट का भी मैं बात करूँ, डीमार्ट क्या करेगा पता है, टी शर्ट लिया मैंने 10 रुपये डिस्काउंट देगा, बड़े बड़े इसमें लिख देगा कि यू सेव ₹10। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी वही फीचर हम लोग ने ऐड किया है। आप क्या जब भी बिल प्रिंट करोगे वहां पे लिख सकते हो कि आपने ₹50 बचाया, अगर आपने ये खाया तो ₹10 बचाया। कस्टमर क्या सोचेगा, चलो इडली खा लिया मैंने, मजा आ गया मेरे को, टेस्ट भी मस्त था, और मेरा क्या पैसा भी बच गया। क्योंकि कस्टमर का आइडिया ऐसा होता है कि भाई जिधर अच्छा सामान मिला, थोड़ा पैसा बचा, और दूसरी बार उधर ही जाएगा। और ये जो है ना लोगो वगैरह, हम लोग ने स्पेशली मेंशन किया, क्योंकि लोगो क्या है, आपका ब्रांड जो है, ब्रांड इमेज बनाने में हेल्प करता है, हेल्प करता है सच्चे। हाँ, अभी मैंने इडली खाया, अब मैं मुंबई, मैं महाराष्ट्र हूँ, मैंने इडली खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब अगली बार मैंने देखा, बिल लिया मैंने, बिल में लोगो वगैरह है, तो मेरे दिमाग में छप गया इडली चाहिए, तो जाऊंगा मैं मास्टर शेफ के पास ही जाऊंगा। और अगर कोई मेरा भाई का शादी है, किसी का बर्थडे है, कुछ भी है, तो मैं फिर इधर ही जाऊंगा, क्योंकि इधर पे मैंने इसको जो है, मैंने इसको मैंने ये भी दिया है, उसने मेरे को दिया कि यू सेव ₹10। तो मैं तो सोचूंगा भाई चलो अच्छा खाना है, पैसा बच गया, मैं उधर ही जाऊंगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो अपने दुकानदार भाइयों के पास इतना नॉलेज ही नहीं है, वो क्या करते हैं, दिन भर दुकान में, रेस्टोरेंट में, कपड़े की दुकान में बैठेंगे, उधर तो मेहनत करते ही है, कोई डाउट नहीं है, मेहनत करते हैं, घर पे जाते हैं, ये इसका कितना हुआ, 3-4-5 कैलकुलेटर लेंगे, करते बैठेंगे, उसमें क्या उनका एक घंटा तो गए, साथ में अपने जो ट्रांजेक्शन वो भी याद नहीं रहते सब। अभी गल्ले का कोई चोरी हो गया, अभी समझो मैं नौकर हूँ, ठीक है, मैं वर्कर हूँ, अभी मैं ठीक है, रेस्टोरेंट है मेरा, मेरा मालिक है नहीं, अब मेरे पास क्या सेटअप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मालिक नहीं है, मैंने ले लिया ₹100, डाल दिया जेब में, मालिक को तो मैं बोल दूंगा एंड ऑफ द डे कि हाँ मालिक 9,000 का ही हुआ, ऊपर का 2,900 मैंने अगर गायब कर लिया तो नहीं समझेगा, बताएगा नहीं, बताएगा बराबर है, वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा उसका भी। हम लोगों ने कैसा ना, अभी इसमें देखो बिल का पार्ट तो मैंने आपको बताया, देखो बस क्लिक करना है, सेव करना है, और आपका प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, एकदम से मस्त बिल बनकर रेडी, कस्टमर को तो वो भी खुश, और आपका छोटा दुकान है तो प्रोफेशनल टच भी आ जाएगा। और दूसरा इसका बेस्ट पार्ट है ना, मैं बताता हूँ, ये मोबाइल से चलता है। हाँ, इसमें आपको कंप्यूटर लेने का जरूरत नहीं, अभी कंप्यूटर लोगे देखो इतना कंप्यूटर, इतना प्रिंटर, अभी जगह भी खाता है, अपना काउंटर छोटा है, अपना मेन गेम काउंटर पे ही है, काउंटर पे अगर सब चीजें भर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और कंप्यूटर लेते हो तो पढ़ा लिखा स्टाफ चाहिए, ठीक है। अभी ये ऐसा है कि फोटो किसको भी दिखा दूं मैं, मेरा जो सफाई करने वाला ना उसको भी दिखा दूं, मेरे बेटे को 2 साल का उसको दिखा दूंगा ना, वो भी प्रिंट मार देगा। अरे बच्चे तो आसानी से कर सकते हैं, वो तो अपने से ज्यादा मतलब वो लोग देख लेते हैं। हाँ, एकदम क्लिक किया, हाँ चलो बिल बन गया, ये पार्ट तो है। और बिलिंग मशीन ना देखो दोस्तों, ये लेना चाहिए कि जो एकदम सिंपल हो, जो मेरे को भी समझ में आए, मेरे वर्कर को भी समझ में आए, मेरे साफ सफाई वाले को भी समझ में आए, मेरे बेटे को भी समझ में आए, कभी मर गया मेरी बीवी बैठी तो उसको भी समझ में आए, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल होना चाहिए। और दूसरा क्या है ना कि ट्रांजेक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया कि गली की चोरी होती है, छोटे से छोटी तो दुकान होती है, अभी क्या ट्रैक ही नहीं कर पाते, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि मतलब दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि अपने पास कुछ ट्रैक ही नहीं है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें आपका डैशबोर्ड रहता है, ओके, जिसमें अपना दिन का सेल कितना हुआ, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया। अब इसमें एक और बेस्ट बात है कि कैश में कितना पेमेंट आया, ऑनलाइन में कितना पेमेंट आया, यहाँ पे UPI बैंक का ऑप्शन है, तो मतलब वो ऑनलाइन पेमेंट आया, कैश है तो कैश का पेमेंट आया। मतलब कैश और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी इसमें मतलब अलग अलग देखने वाले, अलग अलग मिलता है। एक और बेस्ट बात कौन सी रहने वाली है, फोन पे, ओके,
फोन मेरे पास भी है, फोन आपके वर्कर के पास भी है, व्लॉग शूट कर रहे हो फोन आपके पास भी है, yes, अगर yes. आप जो वीडियो देख रहे हो फोन आपके पास भी है, फोन yes. आपके पास है आजकल, ठीक है, फोन से चलता है, ऐप है अपना प्ले स्टोर पे, ऐप डाउनलोड करना है आपको, डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी आइटम है या मेन्यू है आपको ऐड करना है, अगर आप कहीं पर अटकते हो तो मेरी टीम है यहाँ पे आपको पूरा ऐड करके देगी, कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नंबर दिखता रहेगा आपको यहाँ पे, उस पे कॉल करो सब ऐड करके देंगे, अभी मेरे पास क्या है ना डेमो अकाउंट है आपको दिखाने के लिए, तो ऐसे आपको आपका जो भी रेस्टोरेंट का दुकान का कपड़े की शॉप है जो सब है आपका मेन्यू ऐड करके देंगे। ओके okay, मतलब मेनू पे ऐड करके मिलेगा सब सब ए टू जेड, मतलब हमारा काम यही नहीं कि बस आपको चलो कॉल आया आपको जरूरत है मैंने आपको चिपका दिया खत्म, आपको यहाँ से जाने के बाद पूरा सेटअप कैसा करना है, सेटअप करने के बाद यूज कैसा करना है, पहले तो आपको पूरा डेमो देंगे, हमारा बेस्ट बात यही है पहले हम समझाते हैं सामने वाले को, अगर आप नंबर दिख रहा है अगर आप वहाँ पे कॉल करोगे फ्री डेमो हम प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्री डेमो ए टू जेड हम समझाएंगे, देखो ऐसा मशीन है ऐसा चलेगा, ऐसा सॉफ्टवेयर है हमारे, ऐसी मशीन है, पूरा हम बताएंगे, उसके बाद वो आपका कॉल है, अगर आप खुश होते हो फीचर से जो कि बहुत इजी फीचर है, खुश होते हो तो सामने वाला क्या बाय करता ही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अपने पास दो मशीन है, दो प्रिंटर अवेलेबल है। ओके अब ये प्रिंटर है छोटा, ये ब्लूटूथ प्रिंटर है, ठीक है, थर्मल प्रिंटर है, इसमें क्या है ना इंक वगैरह का जरूरत नहीं है, अभी कोई कोई बड़ा प्रिंटर रहता है वो एचपी वगैरह का, हाँ, उनको तो इंक वगैरह सब इंक वगैरह डालो, अब 15,000 का प्रिंटर है प्लस मेरा 6,000 का इंक का ही खर्चा, एक ये है और ये भी अपना थर्मल प्रिंटर ही है, पर ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ओके अभी इसको पावर, हाँ, अभी कोई बिजनेस होते हैं जहाँ पे लाइट का इशू है कि मार्केट तो है मेरा दुकान बिक रहा भी अच्छा सा मन पर लाइट का इशू है लाइट चले आता है, तो हम लोग मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये लेने के लिए, ये क्या है फोन जैसा ही है, एक बार चार्ज करो 12 से 18 घंटा नॉन स्टॉप चलेगा, देखिए बैटरी भी है इसमें पीछे, तो आपको बस फोन देखो यहाँ पे पोर्ट दिया है, बस आपको चार्ज करना है, एक बार चार्ज किया आपका 18 घंटा नॉन स्टॉप चलेगा, और ये है कैसा ना ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी चलता है यहाँ पे, अगर आप स्विच कर दोगे तो सेम काम करेगा दो चीज। ओके पर इसका बेस्ट बात ये है कि ये थोड़ा रफ एंड टफ है, देखो अगर मैं गिर गया ये कुछ हो गया या इधर से भी मैं फेंक दूंगा ना तो बराबर कुछ नहीं होने वाला, एकदम रफ एंड टफ है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी। और मेन बात क्या है दोस्तों कि एकदम छोटा है तो इजी टू कैरी, मतलब कहाँ भी लेके जा सकते हैं इसको, तो मतलब समझो कस्टमर आया प्रिंट मारा मैंने लिया और जेब में रख दिया, चलो रख दिया इतना छोटा है तो मेरे हाथ के इतना है और क्या चाहिए, अभी इतना बड़ा मशीन रहता है, अभी मेरा भी खुद का दुकान है हाँ। तो मैं भी बहुत परेशान था पहले कि मैं क्या करूं, पहले हम लोग ने फिर क्या क्या रिसर्च वगैरह किया, फिर मेरे को मालूम पड़ा कि लोगों को पता ही नहीं है बिलिंग का पता ही नहीं है, अभी तक लोग क्या है देखो अभी सब यूट्यूब इंस्टाग्राम सब सोशल मीडिया आ गया है सब फोन पे, और लोग क्या है अभी बुक पेन लेके लिख रहे, तो हम लोग ने क्या एजुकेट टीम ने थोड़ा रिसर्च किया कि कैसे क्या है, फिर हम लोग ने ये एकदम सिंपल ऐप निकाला जो फोन पे ही चलता है, क्या दिमाग माता पड़ी भी नहीं है ना कंप्यूटर कुछ नहीं, फोन पे आपका काम एकदम आसान हो गया काम। सो गाइज और एक यहाँ पे जो मैं बोला कि लास्ट मतलब इंट्रो में बताया कि और एक चीज आई है अलग, तो ये रहने वाले है, तो सर इसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? इसका देखो ये जो है स्कैनर टाइप है, ओके ये फोन से कनेक्ट होता है, ओटीजी वायर है हाँ? ये हम लोग ने डीमार्ट को टक्कर देने के लिए बनाया क्योंकि बहुत दुकानदार है हाँ? वो सोचते हैं अभी क्या दोनों के पास सामान अच्छा मिल रहा है, पर डीमार्ट वाला क्या करता है उसका बिलिंग फटाफट होता है, यस यस लाइन तो रहती है वहां पे फिर भी फटाफट बिलिंग कर देता है, अपने पास क्या छोटा दुकान है 10 कस्टमर आ गया तो कंफ्यूज हो जाता है अरे किसको इसने क्या लिया उसने क्या लिया, उसके लिए हम लोग ने बनाया एकदम से कस्टमर को बिल मार के देगा, अभी जैसे कि ये प्रोडक्ट है ठीक है इसमें बस मेरे को जाना है जब स्कैन करना है इधर पे आ जाएगा कि चलो इसने मैगी है प्रिंट किया बिल भी बन जाएगा। ओके सर कुछ डेमो देखने मिलेगा इसका भी, मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट, अभी देखो अपना स्कैनर है फोन पे कनेक्ट कर दिया है, अभी देखो बस मेरे को जाना है प्रोडक्ट के पास, बस जाके मेरे को एक बार स्कैन कर देना है, बस स्कैन हो गया देखो यहाँ पे आ गया, अब इसको मैं सेव करूंगा ये देखो इसका भी बिल बन गया, बिल ओके मतलब डायरेक्ट बिल भी आता है डायरेक्ट एकदम, बिल फाड़ो कस्टमर को दो वो भी खुश आप भी खुश, आपका हिसाब किताब एक रुपए भी आएगा आठ आने भी आएगा जो भी रहेगा आपके इजो ऐप में दिख जाएगा। ओके तो ये सबसे बड़ी बात है मतलब स्कैन करो उसका प्रिंट भी आता है सीधा, सब सब बढ़िया है एक नंबर। कुछ रेट वगैरह कुछ बता सकते हो? रेट का अगर मैं बात करूँ तो अपना मशीन खाली 6,000 का है, इसमें आपको मशीन मिलेगा या तो आप ये ले सकते हो या तो आप ये ले सकते हो, साथ में आपको एक साल का पूरा इजो का सॉफ्टवेयर मिलेगा। ओके एक साल का, हाँ जो आपका टाइम एनर्जी सब बचाएगा, तो आपको कॉम्बो मिलता है 6,000 में, या तो आप ये दो ले सकते हो या तो आप ये दो ले सकते हो, ये दो मतलब दोस्तों मोबाइल नहीं आएगा साथ में खाली सॉफ्टवेयर रहेगा, मोबाइल नहीं मोबाइल आपका रहेगा बस हम ऐप देंगे आपको ताकि आपका टाइम बचे। ओके दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा पैन इंडिया
अपना डिलीवरी है, आप दुनिया के किसी भी, भारत के किसी भी कोने से आप अगर कॉन्टैक्ट करोगे, मशीन आपके पास डिलीवर हो जाएगा। बस हम जो है 300 एक बुकिंग चार्ज लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि सामने वाले को खरीदना है। अगर आप बुकिंग अमाउंट भर देते हो तो बाकी बुकिंग अमाउंट डिडक्ट होके आपको जो भी होगा कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाता है पूरा इंडिया। एक और बात फिर से मैं हाईलाइट करूंगा, फ्री डेमो मेरी टीम प्रोवाइड करेगी आपको, फ्री डेमो। ये नंबर पे कॉल करो, फ्री डेमो मिलेगा आपको, जो भी है एक्सपायर्ड मेरी पूरी टीम आपको बताएगी, सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगी, प्रिंटर के बारे में बताएगी, कैसे आपका बिजनेस डिजिटल हो जाएगा सब बताएंगे आपको। तो अभी कॉल करो, फ्री डेमो लो। हाँ, अगर आपको लगता है कि चीज मस्त है तो आप खुद खरीदोगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो फ्री डेमो एक बार लो, मैं तो बोलूंगा एक बार ले लो। फ्री सब दुकानदार चाहते हैं कि मेरा भी कैसा, मैं भी थोड़ा प्रोफेशनल बिल दूं, मेरा भी जो भी पूरा सेट है वो भी थोड़ा प्रोफेशनल हो और हिसाब किताब में आसानी हो। अभी हिसाब किताब का मैं अगर बोलूं, मेरा भी खुद का एक कपड़े का शॉप है, दिन भर तो मैं रहता ही था उधर पे, घर पे जाने के बाद हिसाब किताब करने बैठा 2 घंटा, किधर क्या मालूम ही नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी गुस्सा करती थी मेरे को, मेरे पापा चिल्लाते थे, मेरी बीवी तक गुस्सा होती थी, तू तो मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा, तू हिसाब किताब ही कर, तू दुकान में ही रह, खुद के लिए टाइम ही नहीं। वो बोलती थी तू टाइम देता ही नहीं, एक काम कर, मैं तो बस ऐसा शोपीस हूँ। तो हम लोग ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि जो भी दुकानदार भाई है फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, और होता ही है फैमिली को टाइम दे नहीं पाते क्योंकि टेंशन होता है, 1 रुपए भी इधर ऊपर हो गया ना ऐसा लगता है कि अरे किधर गया 1 रुपए, किधर गया होगा। फिर अगर 200 अगर जाता है फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, एकदम सर फोड़ी का हो जाता है एकदम से। सो मतलब जो गैजेट रहने वाले, गैजेट ही मैं बोलूंगा इसको, सबसे बढ़िया और यूनिक गैजेट है, खास करके मुझे स्कैनर सबसे ज्यादा पसंद आया। सो गाइज, वीडियो काफ़ी अभी लंबी हो जाएगी तो वीडियो को करते हैं हम लोग एंड। सो गाइज, कहते हैं अलविदा। तो सर को एक बार शुक्रिया कह देते कि उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा, और मेरा खास करके ये सबसे प्यारा चीज़ है स्कैनर। तो सर कुछ बोलना चाहोगे? और मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, जो दुकानदार है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। अच्छा वीडियो कर रहे हैं, अच्छा काम बना रहे, ऐसे करते रहो, भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और इनका भी चैनल है जो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उधर भी फॉलो कर देना, आपको जो अपडेट रहेगा तो वहाँ पे आ जाएगा। जरूर जरूर, अगर कुछ डाउट है आप कमेंट करो, हम मैं आपका डाउट जो है पूरा क्लियर कर दूंगा। नंबर दिया हुआ है, मैं दे दूंगा नंबर, तो उसमें आप कांटेक्ट कर लेना और यहाँ से बाय कर लेना। सो गाइस, चलो बाय 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 बाय।